नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। धार में बुजुर्ग के निधन के बाद अनोखे अंदाज में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में शामिल लोग ढोलक की थाप पर नृत्य करते हुए मुक्ति धाम तक पहुंचे। जिन्होंने अर्थी को कंधा दे रखा था वो भी नृत्य कर रहे थे। अंतिम संस्कार की यह परंपरा धार जिले के तिरला ब्लॉक के भूवादा गाँव में निभाई गई। गाँव में बुजुर्ग के निधन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। आपको बता दें कि गाँव के 103 साल के बुजुर्ग जामू भंवर की रविवार को मौत हुई। उन पर कुछ दिन पहले बैल ने हमला कर दिया था। हमले में घायल जामू उम्रदराज होने से रिकवर नहीं कर पाए। उन्होंने घर पर ही अंतिम सांस ली। बुजुर्ग की अंतिम यात्रा गांव से निकाली गई। शमशान घाट तक अंतिम यात्रा में मृदंग, झांझ और ढोलक को बजाया गया। यह परंपरा सामाजिक कार्यकर्ता विजय चोपड़ा ने कहा कि आदिवासी समाज की यह ऐतिहासिक प्रथा है। समाज उम्रदराज व्यक्ति के पंचतत्व में विलीन होने पर उसे उत्सव के रूप में मनाता है और यह प्रथा कालांतर से चली आ रही है। अंतिम यात्रा के समय घर में रखा अनाज, कुल्हाड़ी, तांबे की थाली, लोटा और चांदी के गहने अर्थी के साथ रखे जाते हैं, जिसे हम खत्री बाबा पूर्वज के रूप में आदिवासी परंपरा के तहत महुए की शराब की धार, मुर्गा और बकरा चढ़ाकर पूजते हैं। इसी तरह महुआ के अर्क की धार देकर अंतिम विदाई दी जाती है। समाज की महिलाओं द्वारा जीव वाल्वना की पूरी गाथा का वर्णन मौखिक गीतों के जरिए किया जाता है। इसका वर्णन दुनिया की किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।